वार्ड नंबर 38 के रामराज चौक से अर्जुन पासवान घर तक भी सड़क 10 फीट तक अधूरा है और इससे यहां के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अन्य वार्डों की तरह यहां भी प्राथमिक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं और लोग प्राथमिक सुविधाओं के लिए वार्ड कमिश्नर के घरों का चक्कर लगा रहे हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बहादुर यादव ने कहा कि ठेकेदार के कारण समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं और वे बहुत जल्द इन समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक पहल करेंगे। क्या समस्या आपके घर में पानी कहां से लग जाता है? सर, नाले का पानी निकल के इधर आता है, पूरे बस्ती का पानी है गिरता है। हम लोग तो 20 साल से यही पानी में झेल रहे हैं, 20 साल से। ये पानी कहाँ से आता है? सब नाली का पानी है, सबका घर द्वार का पानी है। कहीं निकलने का रास्ता नहीं? कहीं निकलने का रास्ता नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पे दिखते हैं आधा टूटा हुआ। यहाँ निकलने का रास्ता है ना, हम लोग का जमीन है, इसी में निकलेगा, इसी में करेगा, और कौन करेगा। ये लोग, आप लोग कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल से हम लोग का यही धंधा है। अपना ही जमीन है क्या? अपना जमीन है। तो इसको लेके आप लोग वार्ड पार्षद क्यों नहीं बोलते हैं, पानी का समस्या है ऐसा? नहीं, वार्ड पार्षद क्या बोलेंगे? क्या बोला वो? बोलेगा नाला बन रहा है, बनेगा नाला, अब कब बनेगा नहीं बनेगा वही नहीं जानेगा। कितना दिन से ऐसा समस्या है? बोले तो 20 साल से है, 20 साल से यही काम है। कहाँ तक बन गया है? रोड से लेकर, रोड कहाँ? रामराज चौक, अर्जुन पासवान के घर तक के रोड बना, बनने का था, पर कहाँ तक बना? इतना ही बोला कि जो बनाया ना, सो बोला कि इतना ही तक का के कहे छे कि हमको बोला है बनाने के लिए। कौन? अर्जुन पासवान। कौन बोला? ठेकेदार बोला। तो फिर जो यहाँ तक बना देगा, फिर इसका नाली का पानी आपके घर में जाता है? कितना दिन से जाता है? घर में जाता है, उल्टे पानी आता है, इधर उधर पानी नहीं जाता है। जब ये फूल हो जाता है, रोड इधर देखो, हाँ ये रोड फूल हो जाता है तब पानी तनिया ठेलता है, और ना तब फूल हो सबका घर में। देखिए अभी भी अंगना में पानी है, अभी भी है, मतलब बिना बरसात का ही पानी रहता है आपके पास घर में। पानी उसका शिकायत किया वार्ड परिषद को? किसको करेंगे बेटा, किसको करेंगे? मुखिया के पास जाते हैं तो मुखिया कहता है माटी भराओ, कितनों माटी में भरा देते हैं, फिर भी पानी घर में रहता है, तो क्या करेंगे? बाल बच्चा लेकर चौकी पर केना के सब आदमी गुजर करता है। वार्ड में नाला का जो समस्या, पानी घर में चले जाता है और कहीं कहीं नाला से ओवरफ्लो पानी होने का समस्या है ग्रामीण के द्वारा, इस पर आपकी क्या कहना है? कामराज चौक में नाला तो और आगे तक बनना था रोड, लेकिन ठेकेदार अब क्यों नहीं बनाया तो विभागीय बात है, और बाकी जो बचा हुआ वो लिख के दिया गया, टेंडर भी हो गया था, कुछ कारण बस टेक्निकल जो आप लोग बराबर टीवी में भी दे रहे हैं और पेपर में भी आ रहा है कि इंजीनियर साहब पटना में हैं, वह जैसे आगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, जो अधूरा पड़ा हुआ है। फिर ओवरफ्लो क्यों जाता है? ओवरफ्लो जो उधर जो रोड है तो उसका निकासी में है, क्या पूर्व में जो काम हुआ था तो बहुत दूर दूर पर उसका स्लैब दिया गया है, नाला पानी साफ करने का 60 फीट 50 फीट, उसको भी 10-10 फीट पर बनाने के लिए प्रक्रिया हो चुका है टेंडर में, और लेबर भी लगता है, इधर वर्षा का भी पानी है, तो काम तो होगा निश्चित है। जो भी है, चाहे रामराज चौक के हो या सरदार प्लग मेन नाला के हो, सभी का प्रक्रिया टेंडर में जा चुका है। ग्रामीण में काफी आक्रोश दिखाई जा रहा है इसको लेकर, इस ग्रामीण तो हम लोग को देख रहे हैं, हम पार्षद प्रतिनिधि परिवार में रह चुकी है, ग्रामीण का तो सहयोग रहा है, लेकिन कष्ट है तो उसके लिए टेंडर हो चुका है। मेयर साहब भी जो है सलम एरिया के थ्रू आप देख लीजिए पेपर निकलवा कर कि वो टेंडर में गया है कि नहीं गया है। रामराज चौक वाला भी रोड पूर्व में वो बहुत ही गड्ढा था, तो पहले सोलिंग भी हुआ, ढलाई भी हुआ, फिर अब नया उस पर रोड बनना जा रहा है, और चारों तरफ से बाउंड्री घेरा गया, पहले था कि नीचे से चले जाता था पानी, अब चारों ओर से बाउंड्री हो गया है, और करीब 70-60 फीट और उसको बनाना छिड़ा रहा।